Hi friends, my name is Parth Upadhyay and in today's lecture, I am discussing the provisions regarding formation of new state in Constitution of India. Article 2, Article 3 and Article 4 are connected with the process of formation of new state. So in today's lecture, we will discuss entire provisions in detail. सबसे पहले हम लोग Article 2 और 3 को discuss कर रहे हैं. Article 2 को पढ़ते हैं BR Act में. आर्टिकल 2 बोलता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट. देखिए आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 दोनों की लैंग्वेज बहुत ही सिमिलर हैं. दोनों ही न्यू स्टेट्स के बारे में प्रोविजन करते हैं. बोथ द आर्टिकल्स आर मेकिंग प्रोविजन रिगार्डिंग न्यू स्टेट्स. लेकिन आर्टिकल 2 ऐसे स्टेट्स के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है जो कि इंडिया का एग्जिस्टिंग हिस्सा नहीं है. ऐसे स्टेट्स के बारे में बात करता है जो कि इंडियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं है. इट मींस कि इंडिया के बाहर से अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया इंडिया में मर्ज किया जा रहा है, इंडिया का हिस्सा बनाया जा रहा है, तो उसको न्यू स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश करना, न्यू स्टेट के रूप में उसको फॉर्म करना, ये जो पूरा प्रोविज़न किया गया है वो आर्टिकल 2 में किया गया है. इसके बाद आर्टिकल 2 के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं. जैसे सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, सिक्किम वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, बाद में उसको इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनाया गया. तो इसी तरीके से जब किसी भी एरिया को भारत के बाहर से इंडिया में शामिल किया जाता है वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया जाता है. इसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 3 जो है वो ऐसे स्टेट्स के बारे में प्रोविजन कर रहा है जो इंडिया के जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, एग्जिस्टिंग टेरिटरी है, उससे मिलके किसी नए स्टेट को फॉर्म किया जा रहा है. आर्टिकल 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट. यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट के एरिया में ऑल्टरेशन करना, उसके नेम को चेंज करना या किसी नए स्टेट को बनाना, ये पूरा प्रोसेस आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाता है. पार्लियामेंट में बाय लॉ क्लॉज 1 फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट. इंडिया के कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट उसके किसी पार्ट को अलग करके या फिर दो स्टेट को आपस में जोड़ के एक न्यू स्टेट बनाया जा सकता है. क्लॉज बी बोलता है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट. किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल यूपी या उत्तराखंड, ये दोनों अलग स्टेट हैं, लेकिन यूपी के कुछ एरिया को मिला के उत्तराखंड के एरिया को इंक्रीज किया जा सकता है और ये भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाएगा. डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, जब किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के एरिया को इंक्रीज किया जाएगा तो ऑन द अदर हैंड किसी एग्जिस्टिंग अदर स्टेट के एरिया को डिमिनिश भी किया जाएगा, तभी किसी दूसरे स्टेट के एरिया को बढ़ाया जा सकता है. तो डिमिनिश करने का काम, घटाने का काम भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है. क्लॉज डी बोलता है ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट. किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है. इसके बाद ई क्लॉज बोलता है ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. किसी भी स्टेट के नेम को भी चेंज किया जा सकता है. जैसे पहले उत्तराखंड उत्तरांचल हुआ करता था, अब उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है, तो ये ऑल्टरेशन का काम भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइज हु विल मेक द प्रोविजन, हु विल फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड विच लेजिस्लेटिव बॉडी इज एंटाइटल्ड टू मेक एंटायर चेंज. क्या ये पार्लियामेंट करेगी, क्या ये स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, तो ये प्रोसेस भी आर्टिकल 3 में बताया गया है. आगे बोला गया है प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट
and unless where the proposal contained in the bill affect the area boundaries or name of any of the state, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its view thereon within such period as may be specified in the reference, or within such further period as the president may also allow, and the period so specified or allowed has expired. यानी कि किसी भी स्टेट को अल्टर करने के संबंध में कोई भी बिल प्रेसिडेंट संबंधित स्टेट की लेजिस्लेचर को भेजता है, और संबंधित स्टेट का लेजिस्लेचर किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अपना ओपिनियन, अपना व्यू एक्सप्रेस करता है, उसके बाद बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है, और पार्लियामेंट क्या करता है, ऐसे बिल को एक ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस के थ्रू ऐसे बिल को पास करता है, और बिल को पास करने के बाद वो एक्ट बन जाता है, और अकॉर्डिंगली स्टेट की टेरिटरीज में परिवर्तन करके नया स्टेट बना दिया जाता है, या एग्जिस्टिंग स्टेट के नाम या टेरिटरी में चेंजेस कर दिए जाते हैं। यहाँ पर वन थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड कि अगर कोई भी नया स्टेट बनाया जा रहा है, फॉर दैट पर्पस शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी अमेंडेड। क्योंकि नया स्टेट अगर बनाया जाएगा तो फर्स्ट शेड्यूल में नाम जो है ऐड किया जाएगा, एंड सीट्स का एलोकेशन किया जाएगा राज्यसभा में, तो फोर्थ शेड्यूल में भी अमेंडमेंट होगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाना है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 2 एंड 3, यानी कि नए स्टेट्स के बनाने या उसके नाम टेरिटरी में ऑल्टरेशन के संबंध में अगर कोई बिल लाया जाता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं बोला जाता है, और इस बात को आर्टिकल 4 में क्लियर कर दिया गया है। आर्टिकल 3 के बाद आर्टिकल 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्दर इसके एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं। इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ई स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी, बट इन द प्रोविजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो स्टेट टर्म यूज़ किया गया है ए से लेके ई में, यहाँ पर स्टेट के अंतर्गत यूनियन टेरिटरी भी शामिल होगा। जैसे अभी लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जेएनके को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो ये बनाने का प्रोसेस भी वैसे ही होता है जैसे यूनियन टेरिटरी को भी स्टेट की डेफिनेशन में शामिल किया गया है, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की तरह ये बिल नहीं लाया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने का जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, उसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ता है, लेकिन नया स्टेट बनाने के लिए जो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली ये बिल पास किया जाता है ना, इसमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्टिकल 4 बोलता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसका कहने का मतलब वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड मे ऑल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन इंक्लूडिंग प्रोविजंस एज टू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड इन द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और स्टेट्स अफेक्टेड बाई सच लॉ एज पार्लियामेंट मे डीम नेसेसरी। नो सच लॉ एज एफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। क्लियर, तो इसमें भी यही बताया गया है कि इससे संबंधित कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल लॉ होगा किसी भी कॉन्सिक्वेंशियल मैटर के लिए, यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए कोई भी कानून बनाया जाएगा वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत शैल नॉट बी डीम्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये प्रोविजंस जो हैं न्यू स्टेट्स के फॉर्मेशन, इस्टेब्लिशमेंट, नाम और टेरिटरी में ऑल्टरेशन से संबंधित थे,
और इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया. इन नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट एपिसोड वी विल डिस्कस फर्दर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कीप वॉच दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच.